तो अभी हम घर पे हैं, ये आटा चक्की चल रही है और इसी अल्टीमेटर से ये देखिए हमने काट पीट के छेन करके पल्ली की सीढ़ी बनाने जा रहे हैं। और ये सीढ़ी बना के ये जो टीन सेट पड़ा है, अरे भाई बाल बहुत झुक जाएंगे, ये जो टीन सेट पड़ा है इसमें जो लोहा लगा है इसको पेंट करेंगे। ये सब जुगाड़ लगाते रहते हैं खाली टाइम में। नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं राखी लेके अपनी ससुराल को। सालू भी चल रही है इसमें, पता है तो आपको पता ही क्या होता है, जो ये बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो हमने कहा चलो भाई हम भी चलते हैं। तो मैनेजर भी हमारे साथ में है और सीतापुर में ही हमारी ससुराल है। तो सीतापुर में जो प्लांट लगाया है कसरेला वाला, सीतापुर में 48 पैनल का, तो मैनेजर उसी के वारंटी कार्ड बना रहे हैं लूम सोलर के। ये देखो स्टैंप लगा रहे हैं और इस पर सीरियल नंबर वगैरह लिख के जो है यही वारंटी कार्ड उनको दे देने। हर एक पैनल का अलग से वारंटी कार्ड हम देते हैं जितने भी प्लांट लगाते हैं लूम सोलर के। तो अगर आपको भी प्लांट लगाना है तो इस नंबर पे संपर्क करिए। बाकी हम चल रहे हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। दिखाते हैं आपको, पूरा रोड भरा हुआ, जाम पैक्ड है, सब लोग जा रहे हैं। और हमारी भी बुआ जी भी आई थी, राखी वाखी बांध के भी गई हैं, ये देखो। तो चलिए चलते हैं। और हमारी भी छोटी वाली बहन वहीं सीतापुर में है, वो वहाँ पढ़ती है, तो हमें भी राखी बंधवानी है। मैनेजर भी चल रहे इसी वजह से हैं, तो चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो एकदम मस्त रास्ता चल रहा है और सब लोग, देखिए दिखाते हैं आपको रास्ते में कितने लोग राखी जो है लेके जाते हुए मिलेंगे आपको। ये देखो ये सब राखियां जा रही हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे मेला भी लगता है हर रक्षाबंधन को। तो हम साइकिल से इधर ही आते थे देखने के लिए, हमारे घर से थोड़ी दूर पे है, मैनेजर भी आते होंगे तो दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे। तो आज रक्षाबंधन है और तो हम आज जा रहे हैं सीतापुर, और शादी से गए नहीं है तो आज फर्स्ट बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसा माहौल है। देखो हमारा सिस्टम अलग है, देखो बात ये रोज रोज क्या जाना आना, भाई यहाँ आ गए काम धंधा अपना करो, जब कोई त्योहार चीज होगा तो आया जाएगा, रोज रोज जाने आने से क्या होगा। यहाँ इनको अब ये घर संभालना है, वहां से तो विदाई हो चुकी है उसी दिन जिस दिन आए थे। तो हमें ये समझ में नहीं आता, यहाँ पता लगा काम सब अधूरा पड़ा है, भाई यहाँ आए हैं तो इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं वो नहीं निभाए, रोज आने जाने से जिम्मेदारियाँ निभाने में बाधा आएगी। इसी वजह से पहली बार आज जा रहे हैं ससुराल को। और पिछली बार जो बनाया था वीडियो ससुराल का, उसमें ससुराल के पड़ोस से जाके आ गए थे, ससुराल नहीं गए थे। देखो भाई सब लोग रक्षाबंधन कर रहे हैं, ये देखो जिसका जैसा अपना श्रद्धा बजट है अपना उस हिसाब से जा रहा है, कोई बाइक पे, कोई साइकिल पे, कोई ऑटो रिक्शा पे। इसीलिए कहते हैं कि शादी में गाड़ी दी जाती है ताकि साइकिल से ना जाना पड़े। हमें तो देखो भाई गाड़ी मिली थी, मस्त जा रहे आराम से। साली वाली हमारी है नहीं, नहीं तो आप लोगों को भी करवा देते एक आध गाड़ी, आपको भी मिल जाती। खरीद रहे हैं, ये देखो घर से खाती हुई आई है, राखी खरीद रहे हैं। ये छोटू की दुकान है, ये देखो इनसे ले रहे हैं। अभी देखिए हमने रास्ते में चल रहे हैं और मिठाई ले लिया है और राखी भी ले लिया है। मैंने कहा ऐसी जगह से मिठाई और राखी लो जहाँ से किसी का भला हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लोगे तो उनका तो धंधा वैसे चल रहा है, तो हमने ढूंढ के ऐसी जगह से लिया है। यहाँ से लेने का एक और फायदा है, कम पैसे मिल जाते हैं। ये वीडियो जरूर डालना, ये हम आपको तरीके सिखा रहे हैं कैसे परिवार फैमिली ये सब चलाया जाता है, क्योंकि पैसे लुटाने लगोगे तो बहुत खर्चा हो जाए। देख गर्लफ्रेंड हो तो अलग बात है, वहाँ इम्प्रेस करना होता है, यहाँ इम्प्रेस तो हो चुकी है। अब बस वही एक बार आइसक्रीम खिला के ये दस या बीस वाली आइसक्रीम खा के इम्प्रेस हो गई थी, तब से कुछ नहीं खाने मिल रहा है। कान के झुमके लाके बस।
त्रिभुज वाले झुमके ला दिए रहा, वो 10 रुपए में ले रहा है पूरा 30 रुपए में इम्प्रेस हो गई थी सालू। ये देख रहे हो सिस्टम सिस्टम है भाई। हाँ कुछ देख के नहीं हुए थे, आपको देख के हाँ वो तो सब बाद में लाए थे आप। तो अभी आ चुके हैं सीतापुर और ये फाटक खुला मिल गया, मतलब बहुत अच्छी भाग्य होती है, जिस दिन किस्मत उसी दिन ये खुला मिलता है, बाकी हमेशा बंद ही रहता है। तो अब हम आ चुके हैं, बस थोड़ी दूरी घर बचा हुआ है तो चलते हैं वो ज्यादा सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, चलते हैं। तो अभी रक्षाबंधन हो चुका है, अभी सालू को छोड़ दिए हैं और हम चल रहे हैं प्लांट जो लगा है कसरेला सीतापुर में 26 किलो वाट का सोलर प्लांट, उस पर एक VFD नहीं लगी, 2 VFD वहाँ लगनी क्योंकि वहाँ पे 2 मोटर चलेंगे, 30 HP की VFD लगनी है, वो लगाने के लिए चल रहे हैं। सीतापुर आ गए VFD बस से, तो उसी को उठा के बस लगा देना है, इतना सा काम करना है, तो उसी के लिए चल रहे हैं। चल के दिखाते हैं आपको, ये है सीतापुर। तो अभी आ गए हैं प्लांट पे, ये देखिए प्लांट है। तो अभी आ चुके हैं, ये है VFD 30 HP की, दिखाते हैं आपको। ये देखो ये अब तक की जब जितनी हमने VFD लगाई है सबसे बड़ी ये VFD है। अच्छा है। और तो अभी VFD लग गए भाई, पसीने से पूरा शर्ट भीग गया है और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे गर्मी है। चलिए दिखाते हैं आपको फिर घर चलते हैं। ज़्यादा गर्मी थी तो हम गाड़ी के अंदर आए हैं फुल AC करके जो है, तो मौसम सही करते हैं फिर चलते हैं। आ जाओ दिखा देते हैं। 5:36 हो गए हैं और ये भी चालू कर दें, हालांकि समय लोड तो नहीं ले पाएगा बट फिर भी चेक करा देते हैं। ये देखो यहाँ पे VFD लगी हुई है, ये यहाँ पे 30 HP INVT की VFD है क्योंकि क्रॉम्पटन मिल नहीं रही थी, हमारी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि हम क्रॉम्पटन की VFD लगाएं, और यहाँ पे ये जो है VFD लगी हुई है क्रॉम्पटन की 15 HP की VFD, इससे चलता है समरसेबल पंप और इससे चलती है वो आटा चक्की जो कि आप देख पा रहे हो, ये वहाँ पे मोटर लगा हुआ है 15 HP का 960 RPM। तो आज फाइनली जो है पूरा काम हो चुका है, ये सीतापुर वाले प्लांट का अंकल जी का प्लांट है। ये कहाँ पे अंकल जी लगा है अगर कुछ देखने आप? जानीपुर, कसरेला जानीपुर जगह है, ये नेपालापुर से परसेंडी रोड पे पड़ता है। और अंकल जी के यहाँ 48 पैनल लगे हैं। अंकल जी थोड़ा सा ये बता दो इसे हमारे काम करने का जो तरीका है, जो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और पैसे वैसे में कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काफी लोगों को डाउट होता है क्योंकि भाई 1-2 लाख का काम नहीं, 10 लाख का काम है, काफी लोगों को ट्रस्ट इशू होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आपको आए नहीं? कोई दिक्कत तो ठीक है। बाकी आप आके यहाँ देख सकते हो, अंकल जी मिलेंगे और आमिर भाई मिलेंगे, वो उधर बैठे हैं, कह रहे भीग गए हैं तो वीडियो में नहीं आना चाहते फोटो में। बाकी हम चलते हैं, इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। ये देखो अभी हम घर चल रहे हैं, सुनसान रास्ता है एकदम,